मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर साध्वी प्रज्ञा सिंह का नाम घोषित कर दिया गया है। इससे पहले आज साध्वी प्रज्ञा ने बीजेपी ज्वाइन की थी। आपको बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा, सीमानंद और कर्नल पुरोहित का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद शब्द को तेजी से उछाला था। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे संघीय आतंकवाद बताया था। अब साध्वी प्रज्ञा बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तो दोनों की चुनावी टक्कर दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि प्रज्ञा सिंह दिग्विजय सिंह के सामने ही खड़ी हुई हैं। हालांकि इस बात की भी चर्चा थी कि यदि साध्वी प्रज्ञा भोपाल से चुनाव लड़ेंगी तो बीजेपी के स्थानीय नेता बाहरी होने की वजह से उनका विरोध कर सकते हैं। इस पर प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि वे भोपाल के लिए बाहरी नहीं है, क्योंकि वे 16 वर्ष की अवस्था से ही यहाँ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एबीवीपी के संगठन मंत्री होने के नाते पूरे भोपाल में काम किया है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि वह भोपाल के हर परिवार से जुड़ी हुई हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहली बार तब चर्चा में आई थी जब वर्ष 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मालेगांव में 2008 में बम विस्फोट हुआ था, उसमें एक गाड़ी जो उन्होंने एक साल पूर्व बेच दी थी उसी के सिलसिले में पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। वह 9 वर्षों तक जेल में रही और फिलहाल अभी जमानत पर बाहर हैं। बाहर आने के बाद साध्वी ने कहा था कि उन्हें लगातार 23 दिनों तक यातना दी गई थी। साध्वी प्रज्ञा ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने हिंदू आतंकवाद का जुमला गढ़ा और इस नैरेटिव को सेट करने के लिए उन्हें झूठे केस में फंसाया है, क्योंकि वो हिंदुत्व की समर्थक हैं। साध्वी प्रज्ञा वर्ष 2007 के आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में भी आरोपी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बिना सभी आरोपों से बरी कर दिया, क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हुआ। साध्वी प्रज्ञा का जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कछवाड़ा गांव में हुआ था। हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट प्रज्ञा का शुरुआत से ही दक्षिणपंथी संगठनों की तरफ रुझान था। वह आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी के सक्रिय सदस्य भी रह चुके हैं। वे राजावत राजपूत हैं। उनके पिता आरएसएस के स्वयंसेवक और पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट प्रज्ञा हमेशा से ही दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़ी रही हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सक्रिय सदस्य थी और विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग दुर्गा वाहिनी से जुड़ी हुई थी। वे कई बार अपने भड़काऊ भाषणों के लिए सुर्खियों में रही। 2002 में उन्होंने जय वंदे मातरम जन कल्याण समिति बनाई। स्वामी अवधेशानंद गिरी के संपर्क में आने के बाद प्रज्ञा नए अवतार में नजर आई। अवधेशानंद का राजनीतिक गलियारे में खासा प्रभाव था। इसके बाद उन्होंने एक राष्ट्रीय जागरण मंच बनाया और इस दौरान वे एमपी और गुजरात के एक शहर से दूसरे शहर जाती रही। साध्वी का भाषण ऐसा होता था कि वह सभी को बांधे रखती थी। शुरुआत में उनके भाषण का असर भोपाल, देवास, इंदौर और जबलपुर तक ही सीमित रहा। बाद में अचानक उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छोड़ दी और वह साध्वी बन गई। गांव-गांव जाकर हिंदुत्व का प्रचार करने लगी। उन्होंने अपनी कार्यस्थली सूरत को बनाया और वहीं पर एक आश्रम भी बनवाया। हिंदुत्व के प्रचार के कारण वह बीजेपी के नेताओं को प्रभावित करने लगी और राजनीति में उनका वर्चस्व बढ़ता गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को प्रयागराज कुंभ के दौरान भारत भक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बनाया गया। प्रज्ञा ठाकुर अब आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी पूर्ण चेतनानंद गिरी के नाम से जानी जाती हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं कि यह धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई होगी और इस लड़ाई में धर्म की जीत होगी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इसे धर्म युद्ध बताते हुए दिग्विजय सिंह की तुलना रावण से करती हैं। वो कहती हैं कि रावण की दृष्टि से सब उसके पास था, लेकिन राम जी के पास कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है कि धर्म युद्ध में भी यही होता है। धर्म की विजय होती है, वो दिखने में कुछ नहीं होता, लेकिन आंतरिक तौर पर उसके साथ सत्य और नैतिकता होती है। प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं कि रावण के पास सब भौतिक चीज़ें थी, लेकिन उसके पास सत्य और नैतिकता नहीं थी, और अंत में राम की विजय होती है, और ऐसा ही कुछ भोपाल में भी होगा। भिंड जिले के लहार कस्बे में जन्मी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कॉलेज के जमाने से ही मोटरसाइकिल की शौकीन रही हैं। प्रज्ञा सिंह की कॉलेज तक की पढ़ाई लहार में ही पूरी हुई है। कॉलेज के दिनों से ही वे मोटरसाइकिल पर घूमने की शौकीन थी और जीन्स कमीज पहना करती थी। प्रज्ञा के पिता सीपी ठाकुर लहार के गल्ला मंडी रोड पर रहते थे और यहाँ एक क्लिनिक चलाते थे। ठाकुर स्वयं शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और प्रज्ञा को भी हिंदूवादी शिक्षा अपने पिता से ही मिली। शुरुआत से ही महत्वाकांक्षी रख रही प्रज्ञा कॉलेज के दिनों से ही कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखती थी। इसी कारण वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी। वाक्पटुता के बल पर उन्होंने जल्द ही परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाई। उनके क्रांतिकारी भाषण सुनकर
लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। पहले लहार, फिर भिंड जिले और बाद में उनके भाषणों का प्रभाव भोपाल, देवास, जबलपुर और इंदौर में पड़ने लगा। उसके बाद उन्होंने एबीवीपी छोड़कर साध्वी का रूप धारण कर लिया। साध्वी का चोला धारण करने के बाद वे कई संतों के संपर्क में आई तथा धार्मिक नगरी उज्जैन सहित कई नगरों में प्रवचन देती नजर आई। चार बहन और एक भाई के बीच दूसरे नंबर की संतान प्रज्ञा ने धीरे धीरे सूरत को अपनी कार्यस्थली बना लिया। वहाँ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने पर उन्होंने सूरत में न केवल एक आश्रम बनाया बल्कि अपने सभी परिजनों को वहीं बुला लिया। पिछले चार साल से वे भी सूरत में ही रह रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को खौफनाक बम धमाका हुआ था। उस धमाके में 7 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी जबकि 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये धमाका रमजान के माह में उस वक्त किया गया था जब मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे। इस धमाके के पीछे कट्टरपंथी हिंदू संगठनों का हाथ होने का आरोप लगा था। इसमें साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित का नाम सामने आया था। 2008 में हुए मालेगांव बम विस्फोट में उन्हें शक के आधार पर गिरफ्तार किया था। मालेगांव ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा सिंह को 23 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया था। 25 अप्रैल 2017 को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसके बाद उन्हें हाल ही में इस केस में दोषमुक्त भी कर दिया गया। एक दूसरे अन्य मामले पर भी उन पर आरोप थे जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया। देवास की एक अदालत ने फरवरी 2017 में चर्चित सुनील जोशी हत्याकांड के मामले में बुधवार को साध्वी प्रज्ञा और 7 अन्य आरोपियों को बरी किया था। अपने जीवन का लंबा समय आरएसएस के प्रचारक के रूप में गुजारने वाले सुनील जोशी की 29 दिसंबर 2007 को देवास के चूना खदान इलाके में स्थित उनके आवास से कुछ ही मीटर दूरी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जोशी की हत्या के अगले ही दिन एक खास समुदाय को निशाने पर ले लिया गया था और एक परिवार के 4 सदस्य मार डाले गए थे क्योंकि जोशी के करीबियों ने उनकी हत्या को सांप्रदायिक रंग दे दिया था। बाद में यह शंका सामने आई कि जोशी के कुछ उनके सहयोगियों ने ही खत्म कर दिया था ताकि उस भगवा आतंकवाद की सबूत की एक और कड़ी को खत्म कर दिया जाए, जिसके तहत समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट सहित कई मामलों में लिप्त होने के आरोप थे। इसमें भी साध्वी प्रज्ञा सिंह पर आरोप लगा कि वह इस भगवा आतंकवादी नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं और बाद में सुनील जोशी हत्याकांड में उनकी कथित भूमिका को लेकर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उनके सभी तरह के टेस्ट हुए, नार्को टेस्ट वगैरह कुछ भी, लेकिन उनका कहीं पर भी कुछ भी सबूत नहीं मिला, इसीलिए उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये सब उनके विरोधियों की चाल थी जिसमें उनको फंसाया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बीते दिनों साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि यदि संगठन का आदेश होगा तो वह धर्म युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा था कि अभी तक मैं किंग मेकर की भूमिका में थी, लेकिन अब यदि संगठन के आदेश पर किंग बनना पड़े तो भी वह इसके लिए तैयार है। साध्वी ने कहा था कि जिस दिग्विजय सिंह ने हिंदू धर्म को पूरे विश्व में बदनाम किया है, भगवा ध्वज को आतंकवाद का रूप बताया, अध्यात्म और त्यागमय जीवन पर आक्षेप किए और राष्ट्रधर्म को कलंकित किया, उसके खिलाफ यदि मुझे चुनाव लड़ना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये धर्म की अधर्म से लड़ाई है और इसमें जीत निश्चित ही धर्म की होगी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने साध्वी प्रज्ञा भारती बनने के बाद अपने काम की शुरुआत मध्य प्रदेश से की। गांव-गांव में जाकर प्रज्ञा ने धर्म का प्रचार किया। उनके भाषण सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते थे। उस समय चुनावी सीजन में भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में प्रज्ञा का नाम आ गया था। प्रज्ञा के कार्यक्रमों को सफल बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा की थी। इसी दौरान प्रज्ञा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भाजपा के एक तत्कालीन एमएलए ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने ठुकराते हुए कहा था कि वह देश सेवा के लिए बनी है और इसी के लिए उन्होंने संन्यास लिया है। प्रज्ञा की गिरफ्तारी के बाद ये नेता काफ़ी गुस्से में आ गए थे। इन्होंने गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश में विरोध दर्ज कराने का प्लान बनाया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। कहा जाता है कि जेल में प्रज्ञा ठाकुर को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। इसका इलाज भोपाल के एक अस्पताल में हो रहा है। उन्होंने अपने इलाज के लिए जमानत के लिए आवेदन किया था जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि साध्वी के खिलाफ कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए, इसलिए इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह 16 साल बाद चुनाव मैदान में है और उन्होंने आखिरी चुनाव 2003 में लड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। वैसे दिग्विजय अपने पारंपरिक लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार वह भोपाल से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
और देखिए सही और देखिए सामने कौन है, साध्वी प्रज्ञा सिंह। अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है।